सिखा रहा हूँ सबसे पहले रमज़ान मुबारक तमाम देखने वालों को। तो आज मैं आपको सिखा रहा हूँ, जैसा कि आप घर में चाट बनाते हैं, पहले मैंने एक पापड़ी डाली थी मगर बड़ी पापड़ी थी। आजकल जो हमारे कराची में छोटी छोटी पापड़ी देखी होगी पैकेट में आती है, ज़ीरा पापड़ी, सही बहुत खूबसूरत लगती है खाने में, भी खस्ता होती है, आप चाट के ऊपर और काठियावाड़ी छोले यानी कि बहुत सी चीज़ों पर डाल के खा सकते हैं। तो आज मैं आपको सिखा रहा हूँ ज़ीरा पापड़ी मिनी। तो चले आए ज़ीरा पापड़ी बनाते हैं, किस तरह बनती है, बहुत जल्दी बनने वाली। देखिए मैदा हमने ले लेना घर का कोई सा भी जो होता है आम मैदा, कोई मसला नहीं इसमें। हमने 200 ग्राम मैदा ले लिया, अगर आप ज़्यादा बनाना चाहें तो इसको डबल कर सकते हैं, 200 ग्राम की भी माशाल्लाह काफ़ी बन जाती हैं। 200 ग्राम मैदा ले लिया, 2 टेबल स्पून के करीब हमने ले लिया कॉर्नफ्लोर, सही है जी, ये हो गया। और तकरीबन 1/2 टी स्पून पिसी हुई चीनी और तकरीबन 1/2 टी स्पून डालेंगे इसके अंदर हम नमक, और ये ज़ीरा है 1 टी स्पून भर के डालेंगे ज़ीरा साबुत, और ये है 1 टेबल स्पून के करीब ऑयल, कोई सा भी ले लें। और देखें ये इस तरह का कटर आता है, इस तरह के कटर से हम काटेंगे इसको और फिर इसको फ्राई करेंगे, बहुत ज़बरदस्त बनती है। और फिर आज 1 कप पानी ले लिया हमने, आपको हमेशा मैंने बोला है कि जो मैदा होता है ये मुख्तलिफ होता है, मैदा कोई पानी कम उठाता है, कोई पानी ज़्यादा उठाता है, इसलिए आपने हमेशा मैदे को अपने पानी को अपने हाथ में रखना है, ये नहीं देखना कि किसी ने बोला है कि 1 कप पानी मिला दें तो 1 मिला दें, पता चला मैदा हल्का है और वो उसने पानी कम ज़्यादा उठाएगा, वो पानी यानी कि कम उठाएगा, हमने ज़्यादा डाल दिया तो वो लही बन गया, तो इसलिए पानी अपने हिसाब से रखा करें। तो बहुत आसान, तो ये देख लीजिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हमने इसके अंदर डाल दिया मैदा, थोड़ा बड़ा ले लीजिएगा, ये हमारा ऑयल गया, अच्छा जी नमक हम डाल रहे हैं तकरीबन 1/2 टीस्पून, ये हमारा गया ज़ीरा पाउडर ज़ीरा साबुत, थोड़ा सा ज़्यादा भी डाल सकते हैं कोई मसला नहीं है, और ये हमारा आ गया कॉर्नफ्लोर, सब चीज़ें साथ ही डाल देनी है। ये आ गई पीसी हुई चीनी घर की 1/2 टीस्पून, नमक भी हो गया, ज़ीरा भी हो गया, बस इन चंद चीज़ों के जो कि हर घर में होती हैं, सही है ना, हर घर में ये मौजूद होती हैं चीज़ें, इनको मिक्स कर लेना हमने। अब हम पानी इसमें पहले 1/2 कप मिलाएंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और इसको देखते हैं, थोड़ी हमने सख्त रखना है इसको, बिल्कुल नरम रखेंगे तो फिर ये फूल जाएगी, और फूल जाएगी तो फिर ये अच्छी नहीं लगेगी। मैं इन चीज़ों को नहीं देखता भाई, देखें ये रिस्क है अल्लाह का, अगर थोड़ा सा अगर हमारा टेबल जो होता है ये किचन काउंटर ये बिल्कुल साफ़ होता है, इसको दिन में पता है 3 दफ़ा हम इसको धोते हैं, तो अगर इस पर कोई आपकी चीज़ काम करते हुए गिर जाए तो आप उठा के इसमें डाल देंगे तो कोई हर्ज नहीं है, अल्लाह के दिए हुए रिस्क को हम बचा रहे हैं, सही ना, तो अल्लाह भी खुश बंदा भी खुश, तो इसलिए आप ये लोग कर लिया करें, कोई मसला नहीं इसमें, थोड़ा सा पानी और, सही है ये हो गया। अब हमें किचन काउंटर की ज़रूरत है, हम इसको निकालेंगे इस साइड पे करेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसको हमने मलना है, इसमें वो कोई नहीं है कि ऐसे मले या ऐसे मले, इसको जैसे मर्जी मलना है कोई प्रॉब्लम नहीं, सही 2 से 3, 1-2 मिनट इसको मलने बस, बहुत कुछ नहीं इसमें डालना है कि बेकिंग पाउडर या मीठा सोडा कोई चीज़ नहीं, बस सीधा सीधा दे। वो देना प्लास्टिक, सही चीज़ देखें बस हो गया,
तो ये हो गया हल्का सा ऑयल, चंद कतरे जो कि नीचे लगेंगे ताकि जुड़े ना और वही ऊपर चढ़ने के बाद तकरीबन, आज कल गर्मी है तो 10 मिनट तक छोड़ दें इसको, तो ये बारी पड़ा रहने दें 10 मिनट तक, इसको पड़ा रहने दें, ये राइस हो जाएगा, फिर हम आपको बताएंगे क्या करना है। बिस्मिल्लाह, हमने 15 मिनट इसको दे दिया, अब इसको हम निकालेंगे। देखिए राइस हो गया फर्स्ट क्लास, देखिए राइस की पहचान होती है, देखिए राइस हो गया ना, अगर राइस नहीं हुआ होगा आप उसको यूँ करेंगे वो दोबारा सुगड़ के अपनी जगह चला जाए, तो समझ लें कि राइस नहीं है। तो अब ये राइस हुआ हुआ है, अब हमें चाहिए होगा थोड़ा सा मैदा, ये देखिए हल्का हल्का जमा रहे हैं इसको डायरेक्ट आपने, ये और एक ऐसी कोई सी भी प्लेट ले लीजिएगा उसके ऊपर भी मैदा हल्का सा, अब इसको हम बेलेंगे। देखिए ऐसा बेलन लें आप लोग, मिल जाता है मार्केट में, तो इससे बिस्किट हो गया, क्रॉस हो गया, हर चीज़ बेलने में अच्छा रहता है, वो जो घर का बेलन होता है ना वो नहीं सही लगता। देखिए जी कितनी प्यारी इसमें आ रही है जीरा नज़र, तो ये बिल्कुल बारीक करेंगे हम इसको, इतनी भी नहीं कि उठाई ना जाए दरमियानी। जैसे नमकीन बिस्किट काटते हैं ना, बस समझें ये वही कंडीशन है। हल्का हल्का मैदा ताकि ये नीचे चिपके, देखिए सेटों पे मारे हैं, आपको पता है सेटों पे हमेशा मोटी होती है। ये देखें ये कंडीशन, इससे ज़्यादा बारीक नहीं, फिर उठाने में भी दिक्कत होगी और फिर बड़ा मसला होगा। अब हमने ये ले ली छोटी छोटी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, इसको डाल के जो घुमा दें ताकि ये निकलने में आसान हो। ये 2-in-1 होती है, इस साइड पे इसके लिए किंगरे होते हैं और इस साइड के साथ एक शादी भी आती है, वो भी आप ले सकते हैं। तो ये करने के बाद देखें, काटने से पहले भी कर सकते हैं और बाद में भी, एक कांटे से बस थोड़ा थोड़ा करते हैं, ये इसलिए होता है ताकि ये फूले ना, ये तो फूल जाएगी, फुलाना चाहते हैं तो ये भी अभी फूलेगी लेकिन कम, खस्ता जल्दी हो जाएगी, जब फूल जाएगी तो उसमें खस्ता करने में देर होगी, तो इसलिए इसमें कांटे आप मार देते हैं। ये जो इसकी कटिंग बचेगी इससे हम दोबारा को बनाएंगे, तो ये कंडीशन में बनानी है, इतनी इससे मोटी नहीं करेगी, हल्का हल्का मैदा मारे इसके ऊपर ही रखते हुए कोई मसला नहीं। कोई मसला नहीं है, हराई नहीं है कि अगर थोड़ी लंबी भी हो जाती है तो
तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको देर में करना है तो इस तरह निकाल के उसको थोड़ी देर फ्रिज में रख दें ताकि ये जमे ना, और फिर उधर ऑयल चढ़ा दें और हाथ के हाथ फिर उसको बनाते रहें। हम ये पहले एक दफ़ा इसको पका लेंगे, उसके बाद फिर हम दोबारा इसको, ये जो है हमारा, इसको हम दोबारा बेल के रख देंगे ताकि थोड़ा राइस हो जाए, और तो फिर हम इसको दोबारा इसकी पापड़ी काटेंगे। सही है, हल्का सा इसको मिलाना है हमने। बलिएगा नहीं, मुश्किल दबा के इसको रख दे, दोबारा राइस होने दें, जब तक हम ये इसको पकाते हैं चलते हैं। वाले हमने घी गरम करके इसको नॉर्मल आंच पे कर दिया, सही। अब इसमें हम डालेंगे, उठाएं इसको, इसमें लाने वाले एक एक कदम डालें इसके अंदर, मैंने सारी काट दी। ये गोलगप्पे की तरह भी बनेंगे, जो अंदर से आपने नहीं किया होगा वो गोलगप्पे की तरह बन जाएगी। सही, एक दफा इसको आपने ऐसे करके निकाल लेना है, सही। इसको दोबारा हम करेंगे हल्की आंच पे कड़क, पहले हमने निकाल लेना है सारा, ताकि जो हमारी ये वाली हैं सारी नीचे वो आपस में जुड़े ना। सिलो आँच रखें बिल्कुल दरमियानी आँच पर, जो देखें गोल गप्पे की तरह भी बनता जा रहा है। हल्का हल्का सा कलर देके इसको निकालें, फिर हम जब ये सारी हो जाएंगी फिर इसको बिल्कुल सिलो आंच पे इसको कड़क करेंगे एकदम। लाते रहे इसको, की दरमियानी आँच हमने रखी है। इसको पैकेट बना के आप रख लें, सही है ना, अच्छी तरह खुश करके इसको सुखा के पैकेट में थैली में डाल के आप बाहर ही पड़ी जाने, तो ऊपर से बंद कर देंगे आपका पूरा तकरीबन रमजान चल सकती है, ख़राब नहीं होगी। देखिए अब हम आग तेज कर रहे हैं, इसमें अगर आप अजवाइन डालना चाहें थोड़ी सी वो भी डाल सकते हैं, लेकिन ये जीरा पापड़ी है तो इसलिए इसमें सिर्फ जीरा ही अच्छा लगेगा। वैसे भी बच्चों को दे सकते हैं, बच्चे खा सकते हैं, छोटे छोटे बच्चे चाय के साथ, बहुत मज़े की होती है।
अभी जब तक रमज़ान है रमज़ान में आप इसको इस्तेमाल करें, बाकी टी टाइम के तौर पे, स्टार्टर के तौर पे। सही जी, ये जो हमारी बची है थोड़ी, सही जी, हम ये कर ली। अब इसको दोबारा बिल्कुल दरमियानी आंच पर डालेंगे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, ये देखें थोड़ी सी तेज आंच कर दें। सही, ये देखें हमने निकाल दी इस तरह की थोड़ी लगा के। देखिए बिल्कुल दरमियानी है, ना बिल्कुल कम है आँच ना ज़्यादा है। इसको ऊपर नीचे कटते रहना, एक जैसा कलर जैसा आपको पसंद है। ज़्यादा लाल करनी है ज़्यादा लाल कर लें, दरमियानी करनी है दरमियानी कर लें, खस्ता और ज़बरदस्त कर लें। करते रहें इसको ताकि एक जैसा कलर आए। तो ये देखने हो गया, ये ऐसे छन्ना रखें ताकि उसमें से ऑयल वो सारा निकल जाए। अब ये भी हो रही है, ये फ्रोती है, तो फिर हम आपको दिखाते हैं, फिर आते हैं। हमारी पापड़ी बन गई, देखें ये 200 ग्राम मैदे की कितनी सारी बनी, कोई सी भी देख लें आवाज़ आएगी। देखें ये सस्ता एकदम बेहतरीन मज़े की। अब आपने हमारे चैनल पे आना है, किंग शेफ शाहिद रेड जी बाजना, उसको लाइक करें सब्सक्राइब करें। कुछ भी पूछना चाहते हैं मेरा नंबर लिख लें 0315000। इसके साथ ही पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान नहीं तो कुछ भी नहीं। तो ये देखें कोई भी तोड़ लें आप, ये देखें, ये देखें, ये आवाज़ आ रही है, ये सही है, बहुत ही ज़बरदस्त। बाहर वाले भी क्या बनाएंगे, आप खुद बनाएं अपने सामने, अपना ऑयल अपनी हर चीज़, किसी किस्म की कोई वो नहीं है कि कोई इसमें नुकसान होगा या कोई बाहर की आप लेके आते हैं पता नहीं कौन सा ऑयल है। तो प्लीज़ मैं ये सबको कहना चाहता हूँ, अगर कोई मेरा ऐसा बंदा देख रहा है मेरी वीडियो कि जो इस मुल्क के लिए और इस मुल्क की आवाम के लिए कुछ कर सकता है, तो बराए मेहरबानी ऑयल की जितने भी ऑयल आ रहे हैं बहुत ही नाकिस आ रहे हैं, गंदा ऑयल बेचा जा रहा है। वो ऑयल ही क्या जो कि फ्रिज के अंदर अगर सालन रखो तो वो ऑयल जम जाए, वो मेरे ख्याल से ऑयल नहीं है। वो यही जो गंदी हड्डियों का जो ऑयल निकाला जा रहा है कचरे का, वो मिक्स करके अवाम को जहर बेचा जा रहा है। तो बराए मेहरबानी किसी के लिए नहीं, सिर्फ इंसानियत के लिए, अगर कोई इस चीज़ को कर सकता है तो इसके ऊपर कार्रवाई करें। ऑयल के बड़े बड़े जो डिपू बने हुए हैं इसमें आप देखें चेक करें, हज़ारों बीमारियाँ जो है ना इंसानों के जिस्म में जा रही है सिर्फ ऑयल की खातिर। अभी मैं बीच ही में हमारा एक न्याज का प्रोग्राम था बाबा का उर्स का, तो उस पर मैंने लंगर बनवाया था, तो उनसे कोरमा जो बनवाया है,
तो कोरमा जो फ्रिज में रख दिया थोड़ा सा हमने जो बचा था थैली में डाल के ऑयल में बनाया, तो उससे मैंने पहले पूछा, करा मैंने ऑयल लिया, मैंने कहा अच्छा भाई तो घी का तो हम लोग खाते नहीं है, तो वो आप मानेंगे नहीं कि वो ऑयल जम गया फ्रिज में। तो भाई ये कौन सा ऑयल है, ये क्या खिला रहे हैं आप पाकिस्तान की आवाम को, क्यों पाकिस्तान के पीछे पड़े हुए, अल्लाह के वास्ते रहम करें हम पे नहीं तो हमारे आने वाले बच्चों पे जो बड़े हो रहे हैं माशाल्लाह, अल्लाह इनको सेहत तंदुरुस्ती दे, प्लीज़ आपके भी बच्चे हैं, सही है ना। ये मैं कोई क्रेडिट नहीं लेना चाह रहा, ना ही मैं कुछ सस्ती शोहरत चाह रहा हूँ, मैं एक इंसानी रिश्ते के नाते, एक मुसलमान होने के नाते, और ये वो दिन है रमज़ान का कि जो बाबरकत महीना है जिसमें तो शैतान भी बंद होता है, तो प्लीज़ अगर आजकल आपके इंसानियत जागी भी है, मुसलमान हुए हुए हैं आप, तो प्लीज़ यार इस चीज़ पे आप गौर करें, इन चीज़ों को ख़त्म करें, जो ये ऑयल बेचा जा रहा है गंदा, इसमें बहुत बीमारियां सबके लिए। तो इसके साथ ही पाकिस्तान जिंदाबाद, जिए पाकिस्तान, जिए पाक आर्मी।